ठीक है। चलो, तो हमने S3 की सेंसर, इसके पहले मैंने समझाया था ना व्हाट इट डज एंड हाउ इट वर्क्स, समझाया था ना। ओके ठीक है, चलो वी कैन मूव अहेड देन। कोई समझा सकता है? इतनी चीज तो समझा ही सकते हो आप, हाउ S3 की सेंसर वर्क्स, व्हाट व्हाट इज सेंसर एंड हाउ S3 की सेंसर वर्क। आपके वर्ड्स में बताओ यार, मतलब ऐसा आखिरी तक होगा कि आप आपने एक बार कुछ पढ़ी हुई चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो हर चीज को आप रिवाइज करने का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ऑन ऑन द फ्लाई आंसर करने आने चाहिए। कुछ भी बताओ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ गलत भी बताओ चलेगा। कोई वो बता सकता है? कैन एनी वन एक्सप्लेन मी वॉट इज सेंसर एंड S3 की सेंसर? यस हेलो चिन्मय। हाँ हाँ बोलो। सो सेंसर कैन बी इंटरप्रेटेड एज एनी डिवाइस, फिजिकल डिवाइस विच नो हेल्प्स नो टू नो, दैट इज अ सेंसर डेफिनेशन। आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलरली S3 की रिलेटेड सेंसर। एयर फ्लो। या ओके ओके, सो S3 की सेंसर कैन बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स और वन ऑफ द फंक्शंस विच डिटेक्ट्स एनी ऑफ द एक्टिविटीज विच आर ऑन गोइंग इन S3। सो इफ वी आर डंपिंग एनी ऑफ द फाइल्स इन द S3 बकेट, सो दैट कैन बी ट्रैक्ड और दैट कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग द S3 की सेंसर। ओके, एंड व्हाट हाउ S3 की सेंसर हेल्प्स यू इन योर ऑर्केस्ट्रेशन, देन व्हाट इट डज इफ इट डिटेक्ट्स अ फाइल एंड ऑल? इट विल बी सो इट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड इट विल बी हेल्पिंग इन ट्रैकिंग द फाइल्स विच आर देयर इन द S3 बकेट्स। सो व्हाट डू यू डू आफ्टर डूइंग द ट्रैकिंग? मीन्स व्हेन यू डिटेक्ट दैट फाइल इज डंप्ड इनटू योर S3 बकेट, व्हाट इट डज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर S3 की सेंसर? सो सी, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, S3 की सेंसर इज, कोई भी सेंसर ना एक ऑपरेटर है, टू बी ऑनेस्ट। यू यूज इट टू डिफाइन अ टास्क। ठीक है, तो सेंसिंग अ S3 की इज ऑल्सो अ टास्क। ठीक है, तो आप जब सेंस करते हो कि एंड यू डिटेक्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो आप उस चीज को, उस फाइल को प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट जो टास्क है उसको ट्रिगर करते हो। दिस इज टास्क डेफिनेशन ओनली, राइट? इफ यू सी, इसको भी टास्क आईडी है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो अ टास्क। समझ में आ रहा है आपको? S3 की सेंसर, इफ आई हाईलाइट दिस, दिस इज ऑल्सो अ टास्क। सो वेन यू राइट द डिपेंडेंसीज, तो S3 की सेंसर के बाद कोई ग्लू जॉब होगा जो वो फाइल पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रही है ये चीजें? ठीक यस सर, यस है ना, सर। तो सेंसर कुछ नहीं है, सेंसर इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। ठीक है, तो डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड सेंसर, दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, सेंसर क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर है जो टास्क परफॉर्म करता है। कौन से टास्क? वेट करने के, किसी चीज को सेंस करके उसके ऊपर डिसीजन लेना है उसको कि आगे बढ़ना है या नहीं, वैसे टाइप के हम लोग ऑपरेटर को सेंसर बोलते हैं। सिंपल, तो इन सिंपलिस्टिक लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो एक हायरार्की में हाई लेवल टर्म ऑपरेटर्स है और उसके नीचे ये ब्रांचेस है विच हैज इट स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, लाइक सेंसर है और क्या है, सेंसर प्लगइन्स भी बोल सकते हैं। प्लगइन्स भी टाइप ऑफ ऑपरेट, नहीं प्लगइन्स नहीं होंगे, देखा था नाम ने, क्या देखा था, सेंसर और, एक सेकेंड ना, मैं, मुझे याद आया तो बताऊंगा कि ऑपरेटर्स जैसा ही क्या होता है, सेंसर तो होता ही है। हाँ, हुक हुक भी बोल सकते हो, जो भी एक्सटर्नल इसका कनेक्शन बनाते हो हम लोग हुक से, आगे मैं बताऊंगा व्हाट आर हुक्स एंड ऑल, तो उसको, वो भी एक ऑपरेटर ही है। कोई भी इन डैग, कोई भी ऐसी चीज जो आपका डेटा प्रोसेसिंग का काम कर रही है, मतलब वेदर इट इज डूइंग द एक्चुअल वर्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग और डूइंग द कॉन्फिग्रेशन और डूइंग द कनेक्शन, ये सारी चीजों को हम लोग टास्क बोलते हैं। मतलब टास्क बोलते हैं तो दीज आर, सो
योर टास्क का डिफाइंड यूजिंग ऑपरेटर्स। सो ये एक ओवरऑल ब्रांच ऑफ ऑपरेटर्स ही है, ठीक है, तो ऐसे समझो उसको। और सिंपल अगर समझना है तो आप एयरफ्लो डॉट ऑपरेटर डॉट सेंसर करते हो, मतलब ऑपरेटर आपका ऊपर का क्लास है, उसके अंदर सेंसर से और वहां से इंपोर्ट करते हो। ये तो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रही ये चीज है ना? कंफ्यूज किया क्या मैंने? नो सर। नहीं ना, ठीक है, चलो फिर विल मूव अहेड। सो S3 की सेंसर तो हमने समझ लिया, ठीक है, तो विल गो टू एक्सटर्नल टास्क सेंसर। ओके, एक्सटर्नल टास्क सेंसर मैंने समझाया था क्या कल? आई डोंट रिमेम्बर, समझाया था? डेफिनेशन हुई थी सर। ठीक है, चलो हम लोग आज एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मेरा शेड्यूलर आज बहुत बार फेल हो रहा है, लेकिन आई हैव फ्यू डायग्राम्स, आई कैन एक्सप्लेन विद दैट, ठीक है, तो उससे एग्जीक्यूट नहीं भी होगा ना, तो आई हैव दैट एक्सप्लेनेशन फॉर यू गाइस। मैंने रन किए थे अभी, ठीक है, चलो मैं पहले टैग समझा देता हूँ आपको, ठीक है, सेकेंड। हाँ चलो, हमने ना एक दो टैग्स बनाए, ठीक है, एक को पेरेंट टैग नाम दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बेसिक टाइम टू वेट, टास्क टू वेट फॉर करके एक टास्क बना रहे हैं यूजिंग पाइथन ऑपरेटर, जो ये एक फंक्शन ले रहा है किस लिप फॉर 180 सेकेंड। मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट क्यों करना था, आई वॉन्टेड टू रन बोथ ऑफ दिस टैग्स टूगेदर, एंड एज इट इज वेटिंग फॉर 180 सेकेंड्स, मुझे ये दिखाना था कि ये डिपेंडेंट डैग में जो टास्क वेट कर रहा है ना फॉर दिस टास्क, राइट, एक्सटर्नल की सेंसर का मीनिंग ही वही होता है कि यू कैन राइट अ डिपेंडेंसी ऑफ द डैग इन माय करंट, ऑफ द टास्क इन माय करंट डैग विद द टास्क इन एनी अदर डैग, बराबर। अगर ये मेरा करंट डैग है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी इसके एक टास्क की डिपेंडेंसी, ये वाले डिपेंडेंट टास्क की डिपेंडेंसी आई एम डिफाइनिंग यूजिंग दिस एक्सटर्नल टास्क सेंसर। ये एक्सटर्नल टास्क सेंसर क्या कर रहा है हमारा, दिस इज सेंसिंग दिस डैग, पैरेंट डैग, एंड पर्टिकुलरली दिस टास्क इन दैट पैरेंट डैग, टास्क टू वेट फॉर। तो मैंने क्या किया था बस कि इसको स्लिप में डाल दिया 180 सेकेंड्स के लिए, सो दैट आई कुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यू 180 सेकेंड के बाद जब ये ट्रिगर होगा टास्क टू वेट फॉर, तभी ये वाला वेट वेट फॉर टास्क एग्जीक्यूट होगा, विच विल सेंस इट्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल टास्क, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दैट आपका डिपेंडेंट डैग ट्रिगर होगा, ठीक है। दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन आई वॉन्टेड टू गिव, बट अभी के लिए मैं ना इसके लॉग से ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। शेड्यूलर का कुछ इशू है मेरे एंड पे, आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट आई डोंट थिंक सो, मैंने बहुत बार ओपन और क्लोज करके देखा है, ठीक है, बीच में वर्क कर रहा था, वो अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू से शो यू इज, आप अगर पैरेंट डैग और डिपेंडेंट डैग को एक साथ रन करते हो, तो व्हाट विल हैपन इज, इन पैरेंट डैग आपका जब पहला ही टास्क है, टास्क टू वेट फॉर, वो जाएगा 180 सेकेंड की स्लीप में, तो दोनों का एग्जीक्यूशन एज इट स्टार्टेड टुगेदर आप अगर देखोगे, तो ये स्टार्टिंग टास्क तो डमी ऑपरेटर है, ये तो हो जाएगा कंप्लीट। तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये वेट फॉर टास्क है ना, ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, आर यू एबल टू सी द लॉग्स, आई कैन, वो पुराना है क्या, चलो यहीं पे देख लो, अब जाने दो, रैप कर देता हूँ उसको मैं। हाँ दिख रहा है क्या आपको, ये लॉग्स दिख रहे हैं क्या, ठीक है ना? हाँ चलो, तो लॉग्स अगर दिख रहे हैं तो व्हाट आई वांटेड टू शो इज, यहाँ पे देखो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ वेट फॉर टास्क तो शुरू हो गया, ठीक है। वेट फॉर टास्क क्या है, आपका एक्सटर्नल की सेंसर है, राइट, एक्सटर्नल टास्क सेंसर है, ठीक है, ये तो
क्यों शुरू हो गया? क्योंकि पहला टास्क खत्म हो गया है, ठीक है, स्टार्टिंग टास्क। लेकिन डिपेंडेंट टास्क अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल टास्क सेंसर जब भी आपके टास्क टू वेट फॉर को पोक कर रहा है, इट इज नॉट रिसीविंग एनी रिस्पॉन्स। पोक कर रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद पोक कर रहा है, इट इज पोकिंग यहाँ पे, यहां तक पोक कर रहा है वो अब तक, क्योंकि मैंने टर्मिनेट नहीं किया डाटा, वो पोक ही करते रहेगा, ठीक है। जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आगे वाले से, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब डिपेंडेंट डैग जो है आपका, ये डिपेंडेंसी, दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो, आपका ये डिपेंडेंट टास्क विच इज दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन दिस टास्क, मतलब इसके रिजल्ट पे, इसके स्टेट पे आपका ये ट्रिगर होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल टास्क सेंसर बनाया, उसके एक्सटर्नल टास्क सेंसर का एक टास्क बनाया वेट फॉर टास्क, उसकी डिपेंडेंसी बनाई डिपेंडेंट टास्क से। ये चीज क्लियर है, हाउ टू यूज अ एक्सटर्नल टास्क सेंसर एंड व्हाट इट मींस एंड हाउ हाउ इट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी। ये तो पोकिंग से समझ में आ गया ना आपको? कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस कर दूं एक बार, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन ऑल्सो, बट हेलो चिन्मय, हाँ बोलो। जो हमारा डिपेंडेंट डैग है तो उसके वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमने एक्सटर्नल टास्क सेंसर है वो पेरेंट डैग के ऊपर लगाया ना? एग्जैक्टली नो नो, वी आर नॉट डिपेंडेंट डैग नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, हम लोग पर्टिकुलर टास्क इन टास्क, डिपेंडेंट डैग एग्जीक्यूट कर हाँ रहे। सॉरी सॉरी, हाँ वो टास्क एग्जीक्यूट जो उसकी डिपेंडेंसी है वो टास्क की, वो पेरेंट टास्क के ऊपर है, राइट? जो कि टास्क टू वेट फॉर है, राइट? यस, एग्जैक्टली। मतलब तो टास्क टू वेट फॉर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बेसिस पे मैं सेंस करूंगा उसको। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब भी मेरा ये जो डिपेंडेंट डैग है ना, डिपेंडेंट टास्क, टास्क, सॉरी हाँ, नॉट डैग, टास्क। डैग तो हमने मैन्युअली ट्रिगर किया है, इसकी वजह हाँ से हमारा स्टार्टिंग टास्क सक्सेसफुल हो गया है और एक्सटर्नल की सेंसर, एक्सटर्नल टास्क सेंसर अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टास्क टू वेट फॉर कंप्लीट नहीं हो रहा था। ओके, वो हाँ टू वेट फॉर कंप्लीट होने के बाद ये आपका वेट फॉर टास्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट? इट विल सेंस इट, और ये वेट फॉर टास्क की आगे वाली डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंट डैग, डिपेंडेंट हाँ टास्क, ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ बाकी लोग क्या हुआ, नहीं समझ में आ रही ये चीजें? हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से करेंगे, आई विल फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूलर, ठीक है। हम लोग शायद मंडे को तो नहीं मिलेंगे, मोस्टली मुझे ऑफिस जाना है उस दिन, लेकिन ट्यूसडे को हम लोग, ट्यूसडे से वो वीक में हमें खत्म करनी है चीजें। तो आज थियरी करके आगे वाले सेशंस में ना हम लोग सारी चीजों का एक कंबाइंड सॉर्ट ऑफ 2-3 टैग्स रन करके हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर रिगार्डिंग एक्सटर्नल टास्क सेंसर। तो ऐसी हर चीज को हम लोग परफॉर्म तो करके देखेंगे नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको भी इतना ज्यादा करके देखने की जरूरत नहीं, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, ठीक है। हर एक चीज को आप यूज करके देखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों की अंडरस्टैंडिंग बना लो बाय डूइंग 4-5 डैग्स, क्रिएटिंग 4-5 डैग्स ऑन योर ओन, ठीक है। तो आपको एक हैंडी आ जाएगा कि डैग की डेफिनेशन में इम्पोर्ट क्या क्या होते हैं, कहाँ से क्या चीजें इम्पोर्ट होती है, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, और फंक्शन यहीं पे डिफाइन करना है या फिर एक दूसरी PY फाइल बना के उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट, ट्राई टू डू इट, ठीक है। तो एक मैं अभी सिनारियो दे देता हूँ कि डू नॉट डिफाइन अ फंक्शन इन योर डैग फाइल, ठीक है। ट्राई टू क्रिएट वन मॉड्यूल, ठीक है। तो वो कहाँ करोगे, ये आपका दिमाग है, ठीक है। तो वो जहां भी करोगे आपको अपने डैग में उसको यहाँ पे फ्रॉम करके इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट? जो भी कुछ भी यूज करना है आपको वहां का फंक्शन, तो आपको फ्रॉम इम्पोर्ट फंक्शन, इम्पोर्ट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ टू डू इट दैट यू शुड फिगर आउट, ठीक है।
ये चीज समझ में आई क्या, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आप क्या करो अपने एंड से? आई यस सर, कैन, समझ में आई ना? जिनको नहीं समझ में आए ना, तो वो लोग जिनको समझ में आए उनसे पूछ लेना, ठीक है? चलो, तो कहाँ थे हम लोग? बहुत ज्यादा फ्लो मिस हो रहा है हमारा, ठीक है? चलो, एक्सटर्नल टास्क सेंसर हो गया, एक्सप्लेन दिस थिंग. मैंने जानबूझ के डायग्स इसमें डाले सो दैट इट विल बी हैंडी फॉर यू गाइज, की जब भी रिवाइज करोगे एटलीस्ट यू कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है? रटने नहीं आया टैक्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों ने हमारे केस में भी रटे थे, कि ऐसे में पहले पाइथन ऑपरेटर, उसके बाद ये ऑपरेटर, उसके बाद वो ऑपरेटर, और उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी. क्यों रटना है? सिंपल चीज है, ठीक है? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आप चार पांच जो ये फाइल में टैग्स है ना, उसी को एग्जीक्यूट करके उसको अच्छे से समझ के प्रॉपर देख लोगे ना, तो भी आपकी एयर फ्लो की अंडरस्टैंडिंग डिसेंट हो जाएगी, ठीक है? और इम्प्रूव करनी है अंडरस्टैंडिंग, तो यू विल हैव टू पुट योर एफर्ट्स, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज सिक्वल सेंसर. तो मैंने कल बोला था कि सिक्वल सेंसर इज एनी सेंसर इज सिमिलर, ओके? व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज चेकिंग द डेटा फॉर इन अ पर्टिकुलर टेबल, एंड इफ इट इज सक्सेसफुल, इट्स मतलब अगर वो डेटा डिटेक्ट करता है वहां पे, तो इट विल एग्जीक्यूट अ नेक्स्ट टास्क, ठीक है? इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट दिस सेंसर, जस्ट सर्च सर्च अबाउट इट. मुझे भी एज सच नहीं पता है, मैंने कभी सिक्वल सेंसर यूज नहीं किया है. मैंने अब पढ़ने के टाइम पे बस डाल दिया था, आई वॉन्टेड टू कवर इट, बट कोई पूछता नहीं है ये सेंसर. आपको कौन कौन से चीजें पता होनी चाहिए जो आपके AWS सर्विसेज रिलेटेड ऑपरेटर्स है और सेंसर से, जैसे S3 की सेंसर आपकी AWS सर्विस रिलेटेड है, तो यू शुड नो इट. जैसे आपके ऑपरेटर्स है, जैसे रेड शिफ्ट सिक्वल ऑपरेटर, EMR एट जॉब फ्लो स्टेप्स ऑपरेटर, ऐसे जो हम लोग उसको कवर करेंगे बाद में, ऐसे जो ऑपरेटर्स है ना, दीज आर द ऑपरेटर्स यू शुड नो अबाउट. मतलब उसके क्या पैरामीटर्स है, वो सब चीजें भी पता होना जरूरी है, ठीक है? तो आई गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑल. हम लोग कुछ चीजें कवर भी करेंगे, एक अच्छा सा डेमो भी करेंगे ऑर्केस्ट्रेशन का, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज सेंसर एग्जाम्पल. सो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो, व्हाट इज फाइल सेंसर, व्हाट इज टाइम सेंसर. मैंने सिर्फ नाम देने के लिए दे दिया है यहाँ पे, एक्सटर्नल टास्क सेंसर क्या है, HDFS सेंसर क्या है, सिक्वल सेंसर, HTTP सेंसर, S3 की सेंसर, S3 प्रीफिक्स सेंसर, डायग्राम सेंसर. इसको जाके हर एक चीज का कोड नहीं देखना है, इतना इतना टाइम आपके पास है नहीं. यू शुड जस्ट नो कि कोई अगर चीज पूछता है, तो उसको बताए कि आई नो अबाउट इट, आई हैवंट यूज्ड इट व्हेन आई वाज वर्किंग. एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है? इतना तो आंसर देना आना चाहिए, ठीक है? रेडिस की सेंसर क्या होता है? रेडिस क्या है वैसे, किसी को पता है रेडिस या रैबिट एमक्यू क्या है गाइस? मतलब मैं क्लास में चीजें पढ़ा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहे, ऐसा है क्या कुछ? रेडिस रैबिट एमक्यू यहाँ पे लिखा है यार, यस मैंने सर, वो सिलेरी, डिपेंडेंसी यहाँ देखो सिलेरी क्यूइंग एक्सप्लेन किया था मैंने, सिलेरी में क्यूइंग सर्विस क्यों लगती है. कोई बता सकता है मुझे कि क्यूइंग सर्विस क्यों लगती है सिलेरी में? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क. Dependencies between the tasks, yeah, but why only in salary executor but not in other? Suppose compare with sequential executor and salary, ठीक है? तो sequential executor में queuing service की जरूरत पड़ती है क्या आपको? You are right, I am not saying you are wrong, but I want सर इन सैलरी सर एग्जीक्यूटर सिक्वेंशियल बोलो. हेलो सर इन सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर वी कैन रन ओनली वन टास्क एट अ टाइम. यस, इट इज रिटन हियर, आई वांट अ डिफरेंस, व्हाई इन सैलरी व्हाई नॉट इन सिक्वेंशियल. कोई बोर्ड इन इन केस ऑफ सैलरी लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन डू पैरेललिज्म आल्सो, मींस टास्क कैन बी रन ऑन पैरेलल बेसिस. ओके In case of salary executor, the task is distributed among different you can say ओके ओके parallel execution takes different salary. ओ यू आर राइट राइट राइट
राइट ठीक है. तो पैरेलल एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द रीजन ठीक है, क्योंकि देर आर इंडिपेंडेंट टास्क दैट नीड्स टू बी क्यूड अक्रॉस डिफरेंट वर्कर्स ठीक है, और उसके जो डिपेंडेंट टास्क है उसको भी तो क्यू करना पड़ेगा ना आपको. तो एज वी आर अचीविंग पैरेललिज्म देयर देयर हैज टू बी सर्टेन मैकेनिज्म व्हिच कैन क्यू अप योर टास्क ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्यूइंग सर्विस यूज करते हैं रेडिस और रैबिडमिक ठीक है. यहाँ तो वन टास्क एट ए टाइम ही हो रहा है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं ठीक है. चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ऐसी चीजों के बारे में खुद से पढ़ लो. ओके okay. तो ये देख लेना कि ये इतने सेंसर बहुत डिटेल में नहीं करने, इतना टाइम नहीं है आपके पास. जस्ट टू अवेयर, मैं तो बोलता हूँ कि इसके बाहर भी मत पढ़ो, एटलीस्ट इन दो लाइन से जो भी समझ रहा है ना उतना दिमाग में डाल देना ठीक है. अगर वो कुछ भी नहीं समझ रहा है तब भी तीन चार लाइन के लिए सर्च करो, डोंट गो टू मच डीप इनटू इट ठीक है. हमें ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है ठीक है. तो जस्ट बिकॉज मैंने ये डाली है यहाँ पे दैट डजेंट मीन कि आप उसको भी ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ो. जो भी सेंसर्स डाले मैंने, S3 की, एक्सटर्नल टास्क, उसको डिटेल में देख लो एक बार बस, बाकी मत देखो इतना ठीक है. जब जरूरत पड़ती है आपके प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी, अभी जब भी कर रहे हो तो फाइल सेंसर की जरूरत पड़ सकती है मे बी, तो फाइल सेंसर तब एक्सप्लोर कर लेना ठीक है. ओके व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. हाँ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्लगइन. ओके तो ये जो हाँ एडमिन में कोई स्क्रीन शेयर करके, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं रिस्टार्ट करके देखता हूँ. आपके केस में भी शेड्यूलर काफी बार बंद पड़ रहा है क्या, दिक्कत आ रही है क्या? यस सर, यस सर, सबको आ रही है दिक्कत है ना, कि कोई ऐसा है जिसके मशीन का स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, जैसे रैम 16 GB की है, ऐसा कुछ है, किस कोई है उसको भी दिक्कत आ रहा है क्या? यस सर, मेरे पे आपका 16 GB रैम है यस सर, तो भी दिक्कत आ रहा है. हाँ ओके ठीक सर, चल रहा है शेड्यूलर, क्या क्या चल शेड्यूलर चल रहा है सर? रहा है ना? नहीं मुझे काफी दिक्कत आ रही है आज, नहीं तो कल तक तो चल रहा था सब कुछ. ये काफी बार बंद शुरू करना पड़ रहा है. हाँ ऊपर वही लिख के आ रहा होगा ठीक है. तो एडमिन में जब देखोगे आप, जस्ट गिव मी सेकेंड. तो एडमिन में जब देखोगे यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक वेरिएबल्स, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शंस, प्लगइन्स, प्रोवाइडर्स, सेक्स कॉम्स. तो हम इन चीजों में से हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे. कॉन्फ़िगरेशन में
I don't think so, very much useful, but I'll have a look at it once and I'll let you know. Connections, मैंने बोला था आपको एक चीज बतानी रह गई थी कि AWS का कनेक्शन टाइप वहां पे है नहीं, तो वो कैसे ऐड करना है. I have done that. तो आपको सिर्फ एक बेसिक कमांड है जो आपके WSL में जाके इंस्टॉल मतलब pip करनी है बस, ठीक है. तो ये वाली कमांड है आपकी, pip install apache airflow providers hyphen amazon. अगर आपका 2.0 के बाद का वर्जन है तो ये वाला कमांड है, अदरवाइज दिस इज द कमांड, ठीक है. तो हमने जो वर्जन किया है अभी इंस्टॉल वो 2.7.3 है शायद, तो दिस कमांड इज अप्लीकेबल फॉर अस, ठीक है. तो आई कैन पुट इट इन चैट, चैट में डाल दो क्या या फिर ग्रुप पे डालना है? चैट में डाल देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल करनी है? आपके WSL इंस्टॉलेशन में, मतलब प्रिफरेबली आप रूट यूजर में जाओगे सुडो टू करके WSL में, वहां पे डायरेक्टरी चेंज करके मेन, या फिर एयरफ्लो में भी जाके कर सकते हो, लेकिन सुडो सू करने के बाद सीडी बैकस्लैश करके जो मेन उसमें जाते हो ना आप रूट फोल्डर के बाहर, तो वहां पे इंस्टॉल कर दो प्रोवाइडर, ठीक है. तो आपकी WSL मशीन में आ जाता है प्रोवाइडर, तो यू विल बी एबल टू सी दिस कनेक्शन टाइप में आपको AWS आ जाएगा, Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है. आप कोई कर रहा है कि ट्राई इंस्टॉल करना सो दैट दे कैन शो अस की हो रहा है? मेरे इसमें तो दिक्कत आ रहा है. हाँ हो गया, आई कैन शो दिस थिंग, ऐड कनेक्शन. तो मैंने वो इंस्टॉल कर लिया था. आप इंस्टॉल कर लिया था? ओके. हाँ यहाँ पे देखो प्रोवाइडर आ गया है अमेज़न वेब सर्विसेज, इफ यू कैन सी इट हियर, ठीक है. इफ यूर कनेक्शन टाइप इज मिसिंग देन मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एयरफ्लो प्रोवाइडर पैकेज. आपको कोई भी अलग अगर कनेक्शन बनाने हैं, इफ यू हैव सॉर्ट ऑफ कोई और कनेक्शन है, जैसे आपके MongoDB को कनेक्ट करना है या फिर वॉट एवर Azure को कनेक्ट करना है, GCP को कनेक्ट करना है, उस टाइप के उसके प्रोवाइडर पैकेज हो गए एयरफ्लो के, यू विल हैव टू इंस्टॉल इट इन योर मशीन सो दैट एयरफ्लो कैन हैव दैट पैकेज टू प्रोवाइड यू दैट कनेक्शन, ठीक है. तो अमेज़न वेब सर्विसेज S3 S3 में क्या है? सेम है. हाँ तो आपको इसकी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे होस्ट वगैरह. एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की वाली चीज क्यों नहीं आ रही, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन हम लोग इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जब करेंगे ना तब आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दिस कनेक्शन, ठीक है. अभी के लिए सिर्फ कनेक्शन टाइप ऐड करके रख देना AWS अमेज़न वेब सर्विसेज, ठीक है. कहाँ थे हम लोग? वी वर इन दिस थिंग. हाँ तो वेरिएबल, कनेक्शन, प्लगइन्स और एक्सकॉम्स, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस. तो हम लोग वॉट आर प्लगइन्स ये अभी देख लेते हैं, ठीक है. प्लगइन्स मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. अभी के लिए कोई प्लगइन नहीं है यहाँ पे. प्लगइन कैसे क्रिएट करते? हाँ बोलो. एक बार एक पूछना था, वो सीडी रूट करके उधर इंस्टॉल कर सकते हैं ना? ये कर सकते हो, सीडी रूट बाहर ही कर लो ना मेन इसमें, जैसे आपने सीडी बैक स्लैश करके डायरेक्ट उधर सीडी स्लैश कर लो, बाहर आ गए वहां पे कर लो इंस्टॉल पूरे WSL मेन सिस्टम में ही कर रहे हो ना, कहीं पे भी करो यार, कुछ इतना दिक्कत नहीं आता है, आ जाता है, ठीक है. जनरली ना मुझे जितना पता है Ubuntu में क्या है, आपका पैकेज कहीं पे भी रहे और आप दूसरे जगह पे भी इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो व्हाट इट डज इज वहां का इंस्टॉलेशन उठा के यहाँ पे मूव कर लेता है. सही बोल रहा हूँ क्या मैं? आई एम नॉट वेरी मच श्योर. हाँ ना वैसा ही. हाँ तो कुछ दिक्कत नहीं आता है, ठीक है. हम लोग प्लगइन्स, हाँ चलो लेट्स स्टार्ट प्लगइन्स. व्हाट आर प्लगइन्स? ठीक है, प्लगइन्स क्या है पता है क्या? इट इज एन ऑप्शन टू व्हाट डू यू से क्रिएट कस्टम थिंग्स इन योर एयरफ्लो, ठीक है.
तो कोई भी चीजें कस्टम क्रिएट करनी है आपको, तो यू विल यूज प्लगइन। जैसे आपको एक कस्टम ऑपरेटर क्रिएट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ऑपरेटर? कि आपकी ओन डेफिनेशन का एक ऑपरेटर बनाना चाहते हो। अगर आप जैसे इनबिल्ट सिस्टम गिवन ऑपरेटर्स यूज नहीं करने, जैसे ये जो ऑपरेटर है आपका पाइथन ऑपरेटर, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर, बैश ऑपरेटर, ये आपको एयरफ्लो ने दिए है, राइट? और उसके जो भी लाइक एयरफ्लो के सपोर्ट ऑपरेटर्स है, ग्लू जॉब ऑपरेटर, ईएमआर क्रिएट क्लस्टर ऑपरेटर, ऐसे टाइप के ऑपरेटर, ये भी आपके सिस्टम ने दिए है। बट इफ यू हैव सर्टन रिक्वायरमेंट वेयर यू वॉन्ट टू राइट कस्टम ऑपरेटर्स, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑप्शन इन एयरफ्लो विच इज कॉल्ड एज प्लगइन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आपका जो ये फोल्डर है, टेल यू, हम लोग अभी क्रिएट ही कर लेते हैं। चलो I'm sure you the biggest sound also ठीक है, cd slash cd root airflow, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे जो आपका डैग्स वगैरह फोल्डर है ना, ये एयरफ्लो का इंस्टॉलेशन जहाँ पे है हमारा, जैसे इसका वेब सर्वर डॉट पीआईडी यही पे है, एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल। एयरफ्लो आपको मैंने बोला ना, एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल क्या है? वॉट इज एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल? एनीवन, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट व्हाट इट विल हैव, व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ? बोलो। कॉन्फिगरेशंस कॉन्फिगरेशंस कॉन्फिगरेशंस, एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन दैट यू हैव, यू विल हैव टू फाइंड आउट। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो आप देखो, आपका डैग फोल्डर पाथ यहाँ पे दिख रहा है। जस्ट क्या है, आपकी क्यूरियोसिटी आपको ज्यादा सीखने में हेल्प करती है, ठीक है? अगर आपको ऐसी चीजें देखनी है ना, तो आपको ओपन करके थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट हैव अ लुक एट इट कि होस्ट नेम कॉलेबल क्या है, थोड़ा बहुत देख लो जो भी इंटरेस्टिंग चीज लगती है, ठीक है? ये देखो आपका डिफॉल्ट टाइम जोन क्या है इसमें, ये देखो यू कैन चेंज योर डिफॉल्ट टाइम जोन। हमारे इसमें पीएसटी है, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, तो आपको कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे डिफॉल्ट टाइम जोन के इसमें, ठीक है? तो आप यहाँ पे चेंज करके आपका एयर फ्लो का यूआई में चेंजेस कर सकते हो आपके डिफॉल्ट टाइम जोन में। हमारा क्या है डिफॉल्ट टाइम जोन यहाँ पे, यार देखो यूटीसी दिखा रहा है। इफ वी चेंज इट टू पीएसटी इट विल गेट चेंज, ठीक है? तो ऐसी टाइप की चीजें क्या क्या है, हाँ देखो एग्जीक्यूटर का टाइप दिखा रहा है आपको, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर। इफ यू वांट टू कॉन्फिगर अदर टाइप ऑफ एग्जीक्यूटर, यू कैन टेक, मतलब यू कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है? पैरेललिज्म कितना है, तो जस्ट यहाँ पे इतनी भी चीजें पढ़ लोगे ना, तो यू विल हैव बेटर आइडिया, ठीक है? मैक्सिमम एक्टिव टास्क पर डैग, ये लिमिट सेट है, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस लिमिट यू कैन डू दैट। ऐसे ऐसी चीजें एक बार देख लो, एटलीस्ट व्हेन यू हैव अ लुक एट इट यू नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, समझो एक, समझो आपने एक डैग लिखा आपने अपनी कंपनी में जाने के बाद, और आपने उसमें बहुत सारे टास्क है उसमें, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप आपकी अगर डिफॉल्ट लिमिट 16 सेट करके है और आपने 20 एक्टिव टास्क डाले हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो डैग 16 के बाद फेल हो रहा है हर बार। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट दिस इज द लिमिट दैट हैज बीन सेट बिकॉज ऑफ दैट माई टास्क आर फेलिंग। नहीं तो रूट कॉज पता नहीं चलता है, लॉग्स में समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन होता है बहुत बार होता है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है? डैग्स आर पॉज्ड एट क्रिएशन, हाँ इसको ट्रू फॉल्स व्हाट एवर यू कैन डू, ठीक है? तो एक बार ऐसी चीजों को ना क्यूरियोसिटी से देख लिया करो। प्लगइन्स फोल्डर देखो, अब भी हमें एक चीज मिल गई, ठीक है? तो प्लगइन्स फोल्डर का पाथ यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है? तो हम भी वहीं पे बना, हमने वहीं पे बनाया, तो ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज दैट प्लगइन फोल्डर का पाथ, एंड यू विल हैव टू क्रिएट अ फोल्डर देयर एंड कॉपी दिस पाथ इन दिस फोल्डर। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या यस बोल रहा हूँ मैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन प्लगइन्स के बारे में मैंने अभी क्या बोला?
हम लोग यहाँ पे आए पाथ बनाने के लिए, राइट, तो फोल्डर बनाने के लिए प्लगइन्स का. तो क्या होता है ना, आपको अगर कस्टम ऑपरेटर्स लिखने हैं तो यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एज प्लगइन्स, और उसका फोल्डर पाथ आपको एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल में देना पड़ेगा, सो दैट एयरफ्लो कैन पिक योर प्लगइन्स फ्रॉम देयर. ठीक है, तो अभी क्या है, इसका पाथ क्या है, डिफॉल्ट रूट एयरफ्लो प्लगइन्स. तो व्हाट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग एयरफ्लो के अंदर जाके प्लगइन्स का फोल्डर बनाए, और हमारी जो भी कस्टम ऑपरेटर्स की फाइल्स होंगी, पीवाई फाइल्स, वो हम इस प्लगइन फोल्डर में डालें. मेकिंग सेंस? यस ठीक है, सर, चलो. तो मैं यस आगे अभी प्लगइन के बारे में जो आपको डैग्स भी दिखाऊंगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ये फाइल देख ही लेते हैं. मुझे पता है आप लोग बाद में नहीं देखोगे. एग्जीक्यूट टास्क न्यू पाइथन इंटरप्रेटर फॉर की. हाँ, ये देखो, अभी ना कल मेरा कलीग है, ठीक है, तो उसको ये इशू आ रहा था पिकल का. ठीक है, तो ये क्या इशू है मैं बता देता हूँ. अभी नहीं समझ में आया, दैट इज ओके, जिसको समझ में आया उसको समझ आया. ठीक है, तो मैं डबल नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इशू पे वो उसने मेरे को बहुत परेशान किया है. ठीक है, तो हम लोगों ने फिर इसका ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करके मैनेजर को बताया था. ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, वो यूज कर रहा था ब्रांच पाइथन ऑपरेटर. ठीक है, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर इंटरनली जो आपके रिटर्न वैल्यूज होते हैं ना, तो एक्सकॉम पुल, एक्सकॉम पुश और एक्सकॉम पुल से पास करता है. ठीक है, तो एक्सकॉम क्या है मैं बाद में बताऊंगा. एक्सकॉम बेसिकली सिंपल सिंपली अगर सोचोगे तो क्या है, अगर दो टास्क डिफाइंड है ना, डिपेंडेंट टास्क, पहले टास्क वन बाद में टास्क टू, टास्क वन में एक कोई वैल्यू है आपको वो यूज करनी है टास्क टू में, तो आप एक्सकॉम करके ऑप्शन है एयरफ्लो में, उससे आप एक्सकॉम पुश करोगे टास्क वन से और एक्सकॉम पुल करोगे टास्क टू में, तो सो दैट यू विल गेट दैट वैल्यू देयर. ठीक है, तो होता क्या है, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर में जब हम लोग रिटर्न करते हैं ब्रांचिंग टास्क से, तो जब भी वो उसके डिपेंडेंट टास्क में जाता है तो उसको एक सीरियलाइजेबल रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए. तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ स्ट्रिंग पास कर रहे थे, विच इज नॉट सीरियलाइज. ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी डू नॉट पिकल ट्रू है, डू नॉट पिकल ट्रू है, तो वो पिकल नहीं करेगा. पिकलिंग क्या है पता है आपको पाइथन में? देखो, आप समझो यस कि कहाँ की कहाँ चीजें यूज होती है. आप एयर फ्लो में पाइथन की पिकलिंग के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, तो पिकलिंग क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज पिकलिंग? मैं बोलो करवा दूँ आप बोलो, कोई एक बोलो. इनवाइटिंग पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम बाइट रोल कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स टू बाइट स्ट्रीम. ओके, करेक्ट, दिस इज पिकलिंग. व्हाट इज द मेथड टू डू दैट? डम कल डम करना पड़ता है डम डॉट डम, राइट, पिकल मॉड्यूल में है यस ना डम मेथड. और यस हाउ टू अनपिकल इट, पिकल डॉट लोड पिकल पिकल डॉट क्या लोड होता है, बाइट स्ट्रीम जो भी है आपकी वो कन्वर्ट होती है आपके पाइथन ऑब्जेक्ट पाइथन ऑब्जेक्ट में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो क्या है, जो भी पिकल डॉट लोड पिकल डॉट डम्स है ना, ये है आपका सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन. ठीक है, तो एरर क्या आ रहा था कि जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ब्रांच पाइथन ऑपरेटर इज नॉट अ सीरियलाइज जेसन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट, तो ये एरर आ रहा था. उसके लिए हमें फिर ये डू नॉट पिकल वाला जो ऑप्शन है ना, इसको फॉल्स करना पड़ा. ठीक है, मतलब सो दैट योर एयर फ्लो कैन पिकल इट व्हेन इट इज ट्रांसफरिंग सर्टेन वैल्यूज इन एक्सकॉम. ठीक है, तो जस्ट अभी मुझे याद आया, मुझे पता भी नहीं था ये कोई ऑप्शन यहाँ पे आएगा. मैंने ये प्लान भी नहीं किया था एयर फ्लो डॉट सी एफ जी का. जस्ट कल ही हमने ये चीजें डिस्कस की और कल ही रिजॉल्व की, इसीलिए ये मेरा भी काम नहीं था वैसे. मेरे कलीग को ये इशू आ रहा था. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, एटलीस्ट यू शुड नो सर्टेन ऑप्शंस. नॉट नेसेसरीली सब पता होगा, कि एटलीस्ट ये तो पता करो कि कोई भी एयरफ्लो के रिलेटेड कॉन्फिगरेशन
रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस शुड बी योर एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल। तो जाके पहले पूरी एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल देख लो कि इससे रिलेटेड कोई कोई मुझे कॉन्फिग्रेशन मिलता है क्या। ठीक है, तो ये एटलीस्ट डिबगिंग का अप्रोच बता रहा हूँ मैं, कि आपकी एयरफ्लो में कुछ भी इश्यू आता है एटलीस्ट यू शुड नो कि एयरफ्लो डॉट सी एफ जी फाइल एग्जिस्ट करती है, वेयर आई कैन हैव अ लुक कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या जो मैं इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ या फिर उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। ठीक है, चलो सॉरी, वो नो, डू नॉट पिकल नहीं है, वो इनेबल एक्सकॉम पिकलिंग ये वाला है प्रॉपर्टी, सॉरी ये वाला प्रॉपर्टी है वो इनेबल एक्सकॉम पिकलिंग, ये फॉल्स रहता है डिफॉल्ट, वही मैं सोच रहा था क्योंकि हमने कल ट्रू किया है। ठीक है सॉरी, तो हमने तो ये रहता है बाय डिफॉल्ट फॉल्स, इनेबल एक्सकॉम पिकलिंग ये फॉल्स रहता है, तो इसको ट्रू करना पड़ा कल हमें। ठीक है चलो, ये वाला है वो डू नॉट पिकल, गलती से मैंने बोल दिया, मुझे पिकल दिख गया वहां पे, तो ठीक है इनेबल एक्सकॉम पिकलिंग, ओके अलाउड सीरियलाइजेबल क्लासेस। चलो और कुछ नहीं देख सकते, बहुत है इसमें यार, बहुत बड़ी फाइल है। ठीक है तो मैं यहाँ से एग्जिट कैसे कर सकता हूँ बताओ, ये नैनो एडिटर है, कंट्रोल एक्स, हाँ कंट्रोल एस फॉर सेविंग, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट। ठीक है, कहाँ थे हम लोग वैसे अभी, व्हाट वी वांटेड टू डू इट हियर, क्यों आए थे हम लोग यहाँ पे, लॉगिन फोल्डर बन, एग्जैक्टली MKDIR प्लगइन्स बराबर है, यही था ना प्लगइन्स, ऐसे ही था ना, तो अभी ls कर लेते इसको, प्लगइन्स फोल्डर आ गया, सो दैट अभी हमें प्लगइन्स फोल्डर बना लिया हमने, अब हम लोग प्लगइन्स के बारे में देखते हैं और उसका टैग देखेंगे, तब मैं बताता हूँ बाकी चीजें। सो व्हाट टाइप ऑफ, यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट आर प्लगइन्स, प्लगइन्स मतलब आपको कोई भी कस्टम चीजें लिखनी है लाइक ऑपरेटर सेंसर्स हुक, ये सब चीजें आपको अगर लिखनी है तो आप प्लगइन फोल्डर बना के प्लगइन फोल्डर में ये डॉट पी वाई फाइल बना के वहां पे कस्टम चीजें लिख सकते हो, एंड यू विल यूज दिस कस्टम पी वाई फाइल्स इन इम्पोर्ट स्टेटमेंट इन योर डैग, लाइक फ्रॉम प्लगइन्स डॉट दिस दिस फाइल इम्पोर्ट दिस थिंग। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। सो फर्स्ट वन इज योर ऑपरेटर प्लगइन्स, तो ऑपरेटर प्लगइन्स क्या है, इट इनेबल्स यू टू क्रिएट कस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं वही बोल रहा था, टू क्रिएट कस्टम ऑपरेटर्स, ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन योर वर्क फ्लोज, दीज ऑपरेटर्स कैन एनकैप्सुलेट कस्टम लॉजिक और इंटीग्रेट विद द एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड डेटाबेस ऑपरेटर्स, एपीआई ऑपरेटर्स, फाइल ऑपरेटर्स एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये देख लेना, इसके बारे में अगर कुछ पढ़ना है आपको थोड़ा बहुत देख लेना, बेसिक एटलीस्ट इतनी तो चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं इसका इसका एग्जाम्पल डायग डाला है मैंने, लेकिन हम लोग पहले आगे जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो सेकेंड टाइप है सेंसर प्लगइन। ठीक है, प्लगइन्स मतलब सेम ही चीज है, सेंसर आर ऑल्सो ऑपरेटर्स, तो इफ यू वॉन्ट टू एड सर्टन कस्टम सेंसर्स टू योर एयरफ्लो, तो सेम ही है, प्लगइन्स फोल्डर में ही डालोगे। ठीक है, एंड यू विल व्हाट सेंसर डज यू नो बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है, आई एम होपिंग दैट सेंसर्स आर यूजफुल फॉर टास्क दैट नीड टू वेट फॉर एक्सटर्नल इवेंट लाइक सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे टेक अवे क्या है, टू एड कस्टम सेंसर्स टू एयरफ्लो, इतना ही टेक अवे है हमारा। ठीक है, अरे यार ठीक है, हाँ तो सेंसर प्लगइन्स हो गए, नेक्स्ट इज योर हुक प्लगइन्स, व्हाट आर हुक्स मैं बताता हूँ, हुक्स क्या है पता है क्या, हुक एक बेसिकली एक ऑप्शन है सॉर्ट ऑफ ऑपरेटर कि जो आपको एक्सटर्नल सिस्टम को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, लाइक हुक, जैसे एग्जांपल अगर दूं तो आपका AWS का हुक से, जैसे S3 हुक से क्या कर सकते हो कि ये हुक ऐसी चीज है विच इज यूज टू मेक कनेक्शन टू योर एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, वॉट आर हुक से दिख देता हूं मैं, मैंने डाल देना चाहिए था ये थियरी में, मैं डाल दूंगा। ठीक है, हुक्स क्या है डाल दूंगा, आई शुड हैव कोड इट फर्स्ट, सर देयर यू रिटर्न हुक्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इन सेकंड लाइन, कहाँ पे है
In hooks plugin, there is a, in the second line hooks provide a consistent interface. Connecting to various हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने पहले लिखना चाहिए था वैसे हाँ मैं सिंपल डेफिनेशन में हुक्स प्रोवाइड क्या है ये मैंने कुछ अभी बोला था ना क्या बोला था मैंने मुझे याद नहीं है provides a connection between हाँ external systems. ओके हेल्प्स टू क्रिएट कनेक्शन विथ एक्सटर्नल सिस्टम ठीक है कनेक्शन के लिए हम लोग हुक यूज करते हैं एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इसको एग्जाम्पल आपका S3 हुक ठीक है और बहुत सारे हुक के वैसे सबके हुक होते हैं ठीक है आप डाल देना थोड़े बहुत एग्जाम्पल ठीक है ओके नेक्स्ट बेसुक है इसका पेरेंट क्लास सबसे बेसुक एक पेरेंट क्लास है बताऊंगा आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो प्लगइन्स में सिंपल है अगर आपको कस्टम हुक बनाना है कोई तो यू विल टेक हेल्प ऑफ मतलब आप फाइल क्रिएट करोगे प्लगइन्स फोल्डर में और उसको इंपोर्ट करोगे आप मेन डैक्स फाइल में आपके डैक्स कहाँ पे होते हैं डैक्स फोल्डर में राइट और आपकी जो कस्टम पीवाई फाइल्स रहेगी हुक्स की सेंसर की और ऑपरेटर्स की वगैरह वो रहेगी आपकी प्लगइन्स फोल्डर में समझ में आ रहा है इतनी चीजें ना इतना तो समझ में आ रहा है तो ये देखो डैक्स फोल्डर में आपके डैक फाइल्स रहती है और आपको जो भी कस्टम फाइल्स बनानी पड़ेगी वो आपके प्लगइन्स फोल्डर में होगी आई टेल यू ठीक है अभी के लिए देखो हाँ ये देखो हुक्स के एग्जाम्पल डाले यार क्या कर रहा हूँ हुक्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टू वेरियस सिस्टम्स लाइक डेटाबेसेस क्लाउड सर्विसेस मैसेज क्यूज एंड मेनी मोर ठीक है तो एग्जाम्पल है S3 हुक बिगक्वेरी हुक स्पार्क सबमिट हुक हाई सर्वर हुक पोस्टग्रेस MySQL हुक रेडिस सेल्सफोर्स ये सब हुक्स है ये एक्सटर्नल सिस्टम्स है राइट एयरफ्लो के बाहर का एनवायरमेंट है बराबर ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर मैक्रो प्लगइन्स मैक्रो प्लगइन्स कुछ नहीं है इट हेल्प्स टू क्रिएट कस्टम मैक्रोज व्हाट आर मैक्रोज मैं बताऊंगा अभी ठीक है व्हाट आर मैक्रोज एक बार हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं ऑपरेटर कस्टम ऑपरेटर कैसे क्रिएट करते एक बार आपको कस्टम ऑपरेटर कैसे क्रिएट कर दे ये पता चल गया तो यू विल बी एबल टू क्रिएट सेंसर प्लगइन्स आल्सो हुक प्लगइन्स आल्सो नॉट अ मेजर थिंग आपको ChatGPT दे देगा वो सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन बाकी चीजें तो कहाँ है हम लोग हाँ ऑपरेटर प्लगइन्स ठीक है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कहीं पे सो दैट यू विल हैव अ बेटर विजिबिलिटी चलो तो ओके चलो तो आए हम लोग हाँ तो क्या है ये आपकी फाइल है कस्टम ऑपरेटर डॉट पी वाई ठीक है ये है आपकी कस्टम फाइल जो भी आपको प्लगइन्स फोल्डर में डालनी है कस्टम ऑपरेटर डॉट पी वाई फाइल ठीक है तो इसमें क्या लिखोगे आप आपके ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखोगे तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट अ बेस ऑपरेटर तो ये क्यों इंपोर्ट करते हैं दिस इज पैरेंट क्लास ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स ये समझ में आता है आपको एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा है आपने एब्स्ट्रैक्शन में नहीं कहाँ पे पढ़ा है कैपिटल एबीसी स्मॉल एबीसी क्लास इनहेरिटेंस में पढ़ा है आपने पढ़ा है क्या इनहेरिटेंस में ही है ना वो नहीं 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 एब्स्ट्रैक्ट क्लास हाँ तो अगर आपको किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करते हो आप पाइथन यार किसी को नहीं पता है कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन
आप इंटरव्यू ले रहे हो एक दूसरे के, किसी ने किसी को पूछा है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? हाँ बोलो. नॉट क्लियरली, जस्ट कैन यू स्पीक बिट लाउडर? हाँ थोड़ा चिल्लाओ चिल्लाओ. यू आर नॉट ऑडिबल, सॉरी. जस्ट होल्ड. हाँ बोलो. डिक्लेरेशन बट नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. डिक्लेरेशन बट नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. माई क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन था क्या? हेलो. यस सर. ओके हाँ ठीक है. हाँ बोलो. अभी बोल वी हैव टू इंपोर्ट एबीसी मॉड्यूल आल्सो. सॉरी एबीसी मॉड्यूल. एबीसी मॉड्यूल क्या? इंपोर्ट करना होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करने के लिए. हाँ तो एबीसी मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट करते हो? उसमें एक क्लास है ना कैपिटल एबीसी, हाँ. उसको उसका पेरेंट बनाते हो ना एब्स्ट्रैक्ट. जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके इनहेरिटेंस हायरार्की में उसको कैपिटल एबीसी को डालते हो ना. यस सर. वही वही चीज मैं आपसे निकलवाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस योर कैपिटल एबीसी क्लास इज अ डिफॉल्ट पेरेंट क्लास, राइट? मेकिंग सेंस? अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको एबीसी क्लास, कैपिटल एबीसी क्लास को पेरेंट बनाना पड़ता है उसका. ये मेरा स्टेटमेंट समझ में तो भी आ रहा है क्या आपको? यस सर. यस यस सर. क्यों नहीं कर रहे हो? इतना वीक है आपका पाइथन. अगर ये चीज नहीं आ रही है ना तो सबका फोकस तो पाइथन में सिर्फ उप्स कॉन्सेप्ट पे ही रहता है. कोई बाकी चीजें पूछता नहीं है आपको, कुछ भी नहीं पूछता है आपको. क्या फंडामेंटल डेटा टाइप्स पूछेंगे क्या लोग? व्हाट आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जैसे हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं? कोई नहीं पूछेगा. किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना. 1 घंटे का टाइम रहता है, उसमें कोड भी लेना है, सब कुछ लेना है. आई वुड आस्क सर्टन क्वेश्चंस विच कैन रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस. बहुत सिंपल है, ठीक है? तो मैं वो भी नहीं पूछूंगा. मैं पूछूंगा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस. आई कैन अंडरस्टैंड पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग व्हेन आर दे एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट. इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का डिफरेंस पता है या नहीं देखूंगा, ठीक है? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म? तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है. समझ में आ रहा है? जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग्स क्लियरली. मतलब मुझे ना एक हॉरिफाइंग चीज लग रही है कि एटलीस्ट 5-6 लोग भी नहीं है यार आपकी जो बेसिक एब्स्ट्रैक्शन का पेरेंट क्लास का नाम बता पा रहे हो. दैट इज अ वरीसम थिंग, ठीक है? तो आप कर लो, वो एडवांस पाइथन कर लो खुद से. इसीलिए सर बोल रहे हैं हर बार ना आपको कि आपका पाइथन वीक है, ठीक है? चलो नन ऑफ माई कंसर्न टू बी ऑनेस्ट. चलो यहाँ पे मुझे ये रेफरेंस इसलिए लाना था क्योंकि ये जो आप कस्टम ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हो ना, तो इसका डिफॉल्ट पेरेंट रहता है बेस ऑपरेटर. तो ये आपका है डिफॉल्ट पेरेंट क्लास फॉर ईच कस्टम ऑपरेटर और ईच ऑपरेटर टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो आपको इसको इनहेरिट करना है यहाँ पे, ठीक है? तो और यही चीज फॉर सेंसर विल बी लाइक बेस सेंसर एंड फॉर हुक इट विल बी लाइक बेस हुक. मैंने अभी बेस हुक कहीं पे बोला था ना, लिखा भी था अभी, ठीक है? तो बेस हुक लिखा था मैंने कि ये पेरेंट क्लास है सभी हुक्स का, ठीक है? गिव मी अ सेकेंड ना. ओके तो बेस हुक एक आपका पेरेंट क्लास है फॉर ऑल हुक्स. हाँ सिमिलरली जब आप हुक क्रिएट करोगे ना तो आपको फिर वो इंपोर्ट करना पड़ेगा बेस हुक और उसको उसका पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? सो जस्ट टेक टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि इसका डिक्लेरेशन ऐसे टाइप का होता है, ठीक है? ये कुछ नहीं है बाकी. अप्लाई डिफॉल्ट से कोई डेकोरेटर होगा दैट चैट जीपीटी हैज गिवन मी,
मैंने खुद से कुछ लिखा नहीं है, चैट जीपीटी से उठाया है जस्ट रेफरेंस के लिए। और ये यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। और ये सुपर मेथड क्या करता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? वो सही कॉपीज पेरेंट क्लास द की कंस्ट्रक्टर मेथड पैरेंट का कॉल क्लास आउट के करने के लिए यूज कंस्ट्रक्टर होता है। को। ओके ठीक, चलो इतना तो पता है आपको। लेकिन ये मैं माय माय कस्टम ऑपरेटर यहाँ पे पास क्यों कर रहा हूँ? कैन एनीवन एक्सप्लेन द फ्लो कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका? कि अगर ये मैंने इस क्लास माय कस्टम ऑपरेटर क्लास का एग्जीक्यूशन कर लिया यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो हाउ दिस चेन ऑफ ऑपरेटर्स विल वर्क? पहले क्या कॉल होगा, उसके बाद क्या कॉल होगा? सबसे फ्लो समझा सकते हो क्या एनीवन? अरे सिंपली बताओ यार, गलती करने से डरो मत। अरे अभी कोई बता रहा था अच्छे से यार, सुपर मेथड कॉल इसके लिए होती है, उसको बोलने में क्या दिक्कत आ रही है अभी? सर पहले चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल आउट होगी, फिर यस, उसके बाद में सर वहां से क्या होगा? सुपर स्टेटमेंट सर पहला है वहां, बराबर। यस सर सुपर स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो इट विल कॉल दी सर वो पता नहीं, एक प्रॉब्लम है रहा है। नहीं, क्यों क्यों आप सही बता रहे हो, क्यों मतलब बताने में क्या दिक्कत है? सुपर सुपर मेथड क्या करती है? आपका बेस बेस सर पैरेंट वो क्या है? हाँ बेस सर ऑपरेटर है, राइट? तो बेस यस सर ऑपरेटर सर का, बेस ऑपरेटर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जस्ट बाय पासिंग क्लास हाँ नेम। चाइल्ड यस क्लास सर पास करके आपके बेस ऑपरेटर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, सिंपल है, राइट? यस हाँ, उसके बाद क्या होगा? फ्लो विल कम बैक हियर व्हेन द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस ऑपरेटर विल गेट एग्जीक्यूटेड, द फ्लो विल कम बैक टू दिस सुपर स्टेटमेंट, राइट? कर्सर जो भी फ्लो का, उसके बाद आपका सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। यस सर ये चीजें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। किसी का क्लाइंट राउंड था, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक ट्रिप एडवाइजर करके, हाँ HCL का एक क्लाइंट था ट्रिप एडवाइजर, और उनका एक जापानीज कोलैबोरेशन था शायद, ठीक है? तो वो एक कंपनी थी जो मतलब जॉइंट एंटिटी थी, जो क्लाइंट था HCL का, ठीक है? तो उनके इंटरव्यू में ना मुझे क्या दिया था बताइएगा, सिर्फ एक पाइथन कोड दिया था जिसमें मतलब पाइथन का इवेल्यूशन ऐसे किया था उन्होंने कि पूरे बहुत सारे उसमें क्लासेस थे, दो तीन क्लासेस थे, ठीक है? उसके ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थे और उसमें सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स थी सारी। तो उन्होंने बोला कि सिंटैक्टिकल और लॉजिकल मिस्टेक्स भी, लाइक ऑब्जेक्ट, किसी के ऑब्जेक्ट को किसी को असाइन करना, या फिर कॉल में गलतियां, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक थी। लाइक 50 लाइन का कोड होगा वो, दे जस्ट आस्क मी टू डिबग इट, ठीक है? तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, द क्लैरिटी इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हेल्प्स यू टैकल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब एरर करेक्शन करना, ठीक है? लेकिन यू यू शुड हैव दैट क्लैरिटी इन अप्रोच, ठीक है? सो दैट दे कैन सी कि आप में एटलीस्ट एक लॉजिकल माइंड है आपका, या आपको फ्लो समझ में आता है कोड, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हेल्प्स यू आउट विद दैट, ठीक है? तो आप ये थोड़ा बहुत कर लो यार, मतलब ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको करना चाहिए। और एक बार कर लोगे ना, भूलोगे नहीं बाद में, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन हो रहा है इन योर कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज योर एग्जीक्यूट मेथड, सो दिस विल बी योर एक्चुअल टास्क दैट विल गेट परफॉर्म। तो आपके कस्टम ऑपरेटर का एक्चुअल टास्क जो परफॉर्म हो रहा है, ये होगा, ठीक है? एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है? तो सेकेंड फाइल क्या है? सेकेंड फाइल आपकी डैग फाइल है। तो पहली फाइल है आपकी कस्टम ऑपरेटर जो प्लगइन्स फोल्डर में रहेगी, और सेकेंड फाइल आपकी डैग फाइल है। उसमें क्या कर रहा हूं मैं, बस ये इंपोर्ट स्टेटमेंट देखोगे तो मैं प्लगइन्स फोल्डर से कस्टम ऑपरेटर्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ, बराबर? कस्टम ऑपरेटर डॉट पीवाई फाइल का नाम है, तो इसीलिए मैंने कस्टम ऑपरेटर्स वहां से इंपोर्ट किया है। फ्रॉम से मैंने क्या इंपोर्ट किया, ये क्लास माई कस्टम ऑपरेटर, ठीक है? ये क्लास मैंने इंपोर्ट किया, मतलब क्या होगा अभी,
वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, वो क्लास एग्जीक्यूट होगा ये इंपोर्ट स्टेटमेंट से, बराबर? अरे बोलो। यस सर। क्या हुआ यार, मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ क्या चीजें? ऐसा क्यों, मतलब इतना कोल्ड रिस्पॉन्स, एनी रीजन? शुड आई नॉट ड्वेल टू मच इन टू दिस टाइप ऑफ स्टफ, जहां पे आपको पाइथन की चीजें याद आनी पड़े? क्या दिक्कत क्या है, मतलब सिंपल चीजें ही बोल रहा हूँ मैं और बहुत ज्यादा कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई डोंट ब्लेम यू गाइज, मतलब आपको नई चीजें समझ में आ रही तो जस्ट लेट मी नो क्या नहीं समझ में आ रहे। अक्षय बताओ क्या इशू है। अक्षय यस yes. क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। क्यों क्यों, पाइथन की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? हाँ मुझे थोड़ा रिवाइज करना पड़ा। ठीक है, तो ब्लेम इज नॉट ऑन मी राइट, क्योंकि आपको एडवांस पाइथन आना एक्सपेक्टेड है ना। यस यस तो रिवीजन वही है कि ये चीजें ऐसे ही एज ए एप्लीकेशन आगे आपको कहाँ यूज होगी पता नहीं है। मैं एक बताता हूँ मेरा ओपिनियन। मुझे पहले लगता था कि एज ए डेटा इंजीनियर है पाइथन कहाँ पे लगता होगा, मतलब अगर आप स्पार्क डेवलपर जा रहे हो एज, ठीक है, पाइथन इतना नहीं लगता होगा ना, स्पार्क पे सारी डेवलपमेंट करते होगे। मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पाइथन बेस्ड, पूरा प्रोजेक्ट मतलब 90% चीजें हम लोग पाइथन करते थे, 95 आई वुड से, जो भी एयर फ्लो रिलेटेड चीजें सब, क्योंकि एनवायरमेंट ही एयर फ्लो है, तो 90% चीजें पाइथन है हमारे इसमें, ठीक है। 2-3% सिक्वल और 1% पाइस्पार्क, ठीक है। तो ऐसे ऐसा होता है, पाइथन इज योर फ्रेमवर्क, मतलब बहुत कंपनी में पाइथन ही फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। नॉट दैट आई एम यूजिंग पांडाज, जस्ट टू बी क्लियर, यू शुड नॉट, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी मत बनाओ कि मैं पांडाज पे काम कर रहा हूँ, पांडाज का कुछ संबंध ही नहीं है, ठीक है। आई एम यूजिंग पाइस्पार्क फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटा पार्ट होता है आपका, बहुत छोटा पार्ट होता है आपके कोड पाइपलाइन का, ठीक है। मेन होता है आपका बाकी का स्ट्रक्चर, वो पाइथन बेस्ड होता है, तो यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो और उसमें ना ये एडवांस पाइथन की कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होती है। आई कैन सी कि मेरे जो भी सीनियर्स है, जो भी अच्छे डेवलपर से पहले से, हाउ दे कैन राइट देयर कोड इन वेरी व्हाट डू यू से इन क्लास मेथड फॉर्मेट, ठीक है। तो वो बहुत मतलब मुझे अभी भी दिक्कत आती है वो लिखने में, आई वुड एडमिट दैट, लेकिन उनका देख के मुझे लगता है कि इस टाइप के इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। चलो तो जस्ट टू कम बैक टू दिस पॉइंट, आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू कवर एडवांस पाइथन इन डिटेल, ओके। एंड इफ यू नीड सम हेल्प विथ इट ऑल्सो ना, इफ यू वॉन्ट सम नोट्स और समथिंग, आई कैन प्रोवाइड यू दैट, ठीक है। लेकिन कर लो एडवांस पाइथन। Yes, sir. You can directly message me if you want to keep कोई notes वगैरह है क्या? I'll try to find it out and put it on group, ठीक है। मेरे पास advanced Python के है notes, but I'll have to search for it. ठीक है चलो। तो ये plugins dot custom operators import custom operator ये करना पड़ेगा आपको, और बाद में कुछ नहीं है, simple आप एक custom task create कर रहे हो और इस operator को call कर रहे हो। This operator is nothing different than your other operators, default operators, ठीक है। तो आपको operator कैसे create करना है custom, ये समझ में आया at least? Can anyone explain to class कि क्या होता है custom operator, how do you create from starting, from folder creation, file में क्या करोगे, सब। ज्यादा detail में नहीं जाना है, just basic 2-3 points का बता दें, कोई बता सकता है? वो सुपर ऊपर में नहीं जाना है आपको, सुपर कंस्ट्रक्टर उसमें नहीं जाना है, बस बताना है सिंपल वर्ड में। गाइस बोलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे, ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं ना अभी एग्जांपल डालूंगा ही नहीं उसमें।
थियरी कवर करके आगे बढ़ जाऊंगा और दो तीन डेमोन्स्ट्रेशन ले लूंगा, ठीक है यार? जिनको आ रहा है, हाँ दादा साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है, यू आर ट्राइंग टू अनम्यूट एंड यस यू आर, बोलो बोलो, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो यू शुड बी एबल टू, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन राइट? देख के बता दो, पूरे क्लास को समझा दो, प्रियंका आप बताओ। हेलो हाँ बोलो। सर फॉर मेकिंग अ कस्टम ऑपरेटर वी हैव टू इनसाइड अ एयरफ्लो वी हैव टू ऐड वन फोल्डर लाइक अ प्लगइन फोल्डर इज देयर, सो इनसाइड अ प्लगइन वी हैव टू ऐड लाइक हियर वी आर ऐडिंग द कस्टम ऑपरेटर डॉट पीवाई फाइल, सो इनसाइड दैट फोल्डर वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग बेस ऑपरेटर and base operator is like a for abstraction like we are using abc method, so no no it is not for abstraction, it is just a parent in parent class which are, yeah it is like a parent class, so with the help of that base operator we are calling super method and inside that super method we are calling again that base operator by using the custom operator my custom operator so we are executing that message by calling the define method And how you are importing this custom operator in your DAG? By importing that plugin from plugin folder, we are importing custom operator, my custom operator. Okay, ठीक. And you will be creating custom task out of it. Okay. Yes. सबको समझ में आया at least इतनी चीजें. Yes, sir. ठीक है, चलो. आता मैं. चलो. लेट्स मूव अहेड, आई थिंक इतनी तो चीजें क्लियर हो गई, तो यही सेम आपको हुक और सेंसर के लिए करना है, ठीक है? नो मच डिफरेंस, ठीक है? प्लगइन्स क्रिएट करने हैं आपको, तो दिस इज द प्रोसीजर यू विल फॉलो, ठीक है? मैक्रो प्लगइन्स रह गया था, व्हाट आर मैक्रोज मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? मैक्रोज बता के छोड़ देंगे हम लोग, डेढ़ घंटा हो रहा है हमारा, ठीक है? तो मैक्रोज समझ लेते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स भी है वैसे. डू यू वॉन्ट मी टू फिनिश दिस एंड देन वी कैन स्टॉप फॉर टूडे, इज दैट ओके और इज इट टू बोरिंग? वी कैन कंटिन्यू, वी कैन, ठीक है चलो इतना खत्म कर देते हैं, इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स. ओके मैक्रोस, ठीक है तो मैक्रोस क्या है? मैक्रोस बेसिकली अगर मैं इसको एनालॉजी दू ना तो क्या है, आप फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हो एफ स्ट्रिंग, उसमें प्लेस होल्डर्स यूज करते हो, बराबर? जैसे करली ब्रेसेस में आप वेरिएबल का नाम डालते हो और वेरिएबल जहां पे भी डिफाइंड है उसकी वैल्यू पिक होके वहां पे आ जाती है, ये पता है आपको? यस, फॉर्मेट स्ट्रिंग करते हो या फिर डॉट फॉर्मेट है आपका ओल्डर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है? तो उसमें क्या करते हो आप, यू आर प्रोवाइडिंग अ प्लेस होल्डर वैल्यू which is getting substituted based on your definition of that variable in other part of the code, right? तो इसमें क्या है, what are macros? Macros क्या है कि एक कोई placeholder और a variable value और a default system value that you can add as a part of your DAG so that जब हमारा DAG execute होगा ना तो system can substitute that value on its own. What do I mean by that? हम लोग ये अभी देख लेते हैं और जब example आएगा ना I'll try to explain. हम लोग documentation पे भी जाते हैं, ठीक है? It is a placeholder or a variable that gets replaced with a dynamic values at runtime. A keyword being this, dynamic values at runtime, ठीक है? It gets replaced with dynamic values at runtime, ठीक है? चलो, तो ये point याद रखना. अगर किसी को समझाना है macros, तो this can be a keyword that you can that you can emphasize on, ठीक है? तो macros provide a way to inject dynamic information into your DAG, DAG definitions, task parameters and other components of your airflow. वही बोल रहा है, inject dynamic information, same चीज. Macros are enclosed within double curly braces. तो हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है? Macros क्या होते हैं दिखा दूंगा आपको.
can be used in various places throughout your Airflow code, such as task definition, file paths, SQL queries, and many more. Okay. When the tag is executed, the macros are evaluated and their corresponding values are substituted. ठीक है, वही बोल रहे हैं ना हम लोग, रन टाइम में रिप्लेस हो जाती है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब टैग रन होता है ना, तो आपके मैक्रो इवेल्युएट होते हैं और बेस्ड ऑन दैट आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है. ठीक है, सो दीज आर वेरी मच सिमिलर पॉइंट, जस्ट उसको आड़ा टेढ़ा लेके लिखा है बस. Airflow provides a set of built-in macros that you can use out of the box, including macros for execution dates, task instances, and parameter passed to task. Additionally, you can define your own custom macros by creating Python functions. Own custom macros में ये आ गया point आपका macro plugin का. ठीक है, custom macros आपको define करने हैं तो आपको macro plugin लिखने पड़ेंगे, custom macros. समझ में आया? तो मैं मैक्रोस समझा देता हूँ आपको, एग्जांपल से अच्छे से समझेगा. आई विल कॉपी दिस समवेयर एल्स. ठीक है, हम लोग आते हैं वापस इसमें. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इफ यू सी मैक्रोस मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे मैक्रोस हमारे. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर देखोगे, सो दिस इज अ डिक्लेरेशन डबल करली ब्रेसेस के एनक्लोज्ड में एक कोई वैल्यू रहती है, तो डीएस है जैसे यहाँ पे डीएस हाइफन नो डैश. ठीक है, तो दीज आर सिस्टम पैरामीटर्स. ओके, सो सिस्टम अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स टू प्रोवाइड यू सर्टन वैल्यू. ठीक है, तो ये जो भी डिफॉल्ट डिफाइंड पैरामीटर्स है, ये आपको रेफरेंस इसमें मिल जाएंगे. ठीक है, व्हाट इट मीन्स इज, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. मैंने एक लिंक दी है आपको यहाँ पे. हाँ, ये देखो लिंक है यहाँ पे. अगर जाओगे आप, पहले से ओपन है टेम्पलेट रेफरेंस मेरा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, डीएस का मतलब दिया है उन्होंने कि ये आपका मैक्रो है डीएस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया है. देखो, डायग्राम्स लॉजिकल डेट इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, तो ये जो मैक्रो है मुझे डायग्राम की लॉजिकल डेट प्रोवाइड करता है इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, तो वो जो वैल्यू है मेरे डैग में, आए मेरा डैग, तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, डायग्राम के डेट की वैल्यू आएगी. तो होता क्या है, आपको डैग में ऐसे कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, लाइक फॉर स्टार्ट डेट में अगर कुछ देना है आपको, जब आप डैग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो स्टार्ट डेट देना पड़ता है. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, आपको स्टार्ट डेट डिफाइन कैसे करना है, तो वो उसके भी पैरामीटर्स मैक्रोज में दे सकते हो आप. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट डायनामिक वैल्यूज दैट आर अवेलेबल इन दिस केस. इफ यू सी डेट इंटरवल एंड डीएस नो डैश क्या है, देख लेते. मुझे भी इतना नहीं पता है सारी चीजें. I am not very much sure. No dash क्या है. ठीक है, तो शायद YYYY MMDD ऐसे देता होगा, hyphen नहीं देता होगा वहां पे, ऐसे ही होगा शायद. ठीक है, TS मतलब टाइम स्टैम्प होगा, वेरी ऑब्वियस. TS नो डैश विद टाइम जोन, अगर टाइम जोन के साथ आपको टाइम स्टैम्प चाहिए. सो दीज आर सिस्टम वेरिएबल्स दैट यू कैन आस्क एयरफ्लो टू रिप्लेस while your runtime. ठीक है, तो यू इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस वैल्यूज, यू कैन यूज मैक्रोस टू डू दैट. ठीक है, TS no dash. तो आपको एक बार एक देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. इफ यू सी DAG currently running DAG, you can read more about DAG in DAG. Okay, just have a look at it. हाँ, ये जो task instance है ना, ये काफी use होता है. टास्क अंडरस्कोर इंस्टेंस, करंटली रनिंग टास्क इंस्टेंस, ये आपके एक्सकॉम पुल पुश में यूज होता है, आपका इंटरनली यूज करता है आपका एयरफ्लो इसमें. ठीक है, आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स. ओके, TI, अगर आपको टास्क इंस्टेंस, तो आप एक्सकॉम पुल पुश जब करते हो ना, तब आपको ये मैक्रो यूज करना पड़ता है कि दिस मैक्रो TI.xcompush और एक्सकॉम पुल. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके कौन से टास्क इंस्टेंस से
आपका पुल पुश होगा ये हम लोग डिसाइड करते हैं. आई विल लेट यू नो दिस थिंग व्हेन वी विल डिस्कस एक्सकॉम. ओके, तब आपको ये चीज याद रखनी है, ये टास्क इंस्टेंस वाली. ठीक है, पैराम्स ये तो मेरे इसमें काफी यूज होता है. ठीक है, हमने क्या किया है तो ये जो पैरामीटर का पैराम्स करके मैक्रो है, तो ये क्या करता है, यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हैं एयर फ्लो एनवायरमेंट में, मेरे केस में. जैसे हमारे अलग अलग एनवायरमेंट से, तो हमें वो एनवायरमेंट की वैल्यूज डायनामिकली हमारे कोड्स में पास करनी है. वी डोंट वॉन्ट टू हार्ड कोड आर वैल्यूज एज पर आर एनवायरमेंट. तो हमने क्या किया है कि हर एनवायरमेंट में अपना अपना एक वेरिएबल क्रिएट किया है. जैसे अगर मेरा डेव एनवायरमेंट है तो उसमें वेरिएबल क्रिएट किया है, समझो AWS EMR हाई सर्वर, ऐसा वेरिएबल है समझो. तो उसमें मेरा एनवायरमेंट एक करके की है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ डेव नाम की वैल्यू. तो जब भी मैं AWS EMR हाई सर्वर करके की वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा हूँ कहीं पे, तो ये पैरामीटर मैक्रो आपके मतलब कैसे बताऊं मैं, एक सेकंड रुक जाओ. तो ये AWS EMR हाइव सर्वर का जो वेरिएबल है ना वो रजिस्टर्ड रहता है सिस्टम के पास टू यूज इट एज अ पैराम्स. ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपरली टू बी ऑनेस्ट, पैराम्स वाली चीज ना. तो हम क्या करते हैं, तो ये जो पैराम्स होता है ना, ये जो मैक्रो, तो डायरेक्टली हमारी वेरिएबल की जो एनवायरमेंट की वैल्यू है वहां पे रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट इज लेट्स हैव अ लुक एट सम. ओके, और कुछ है क्या? हाँ, ये आपके डेट रिलेटेड बहुत सारे मैक्रोज है, नेक्स्ट अंडरस्कोर डीएस, नेक्स्ट अंडरस्कोर डीएस नो डैश, ये सारी चीजें है. ठीक है, यू हैव एयर फ्लो कनेक्शन रिलेटेड चीजें. हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो बैक टू दैट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है डीएस मैक्रो इज कॉमनली यूज मैक्रो इन एयरफ्लो एंड इट इज इट रिप्रेजेंट एग्जीक्यूशन डेट ऑफ द टास्क इन दिस फॉर्मेट. ओके, तो हर बहुत सारे सिस्टम में मैक्रोज की पॉसिबिलिटीज है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू विल write it. Okay, by using this within the double curly braces it gets substituted with actual execution date when the diagrams. ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई है क्या? वो params वाली चीज छोड़ के बाकी चीजें समझ में आई है क्या आपको? What are macros? Are you able to understand? Am I audible? Yes, sir. Am I? Are you able to understand or not? Just tell me. I can explain it again. At least thoda bahut 50%, 20%, kuch bhi. Ki macro kuch bhi nahi samajh mein aaya. Macro kitne logon ko samajh mein aaya? Hand raise kar do. Aap bolte to nahi ho. Hand raise kar do. ठीक है, मतलब बहुत लोगों को समझ में आ गया, चलो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मतलब. ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दिस मैक्रो वाला थिंग. ओके चलो, मैंने वहां पे पेस्ट किया है ना. हाँ, तो ये क्या है, बस मैक्रोज आपको ना आपके सिस्टम में से कुछ भी चीजें चाहिए जो प्री डिफाइंड है वो यूज करने के लिए आप यूज कर मैक्रोज यूज करते हो. ठीक है, सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ योर मैक्रोज. And I have already told you, you can create your own custom macros also. Just you have to write that definition in plugins folder and import it. ठीक है, इतना ही है, macros में as such कुछ नहीं है. ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग इसमें, सिर्फ ये definition important है curly braces वाली. You can directly do that in any string. ठीक है, बाहर भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है. So this is about your macros. आते हम लोग, हाँ ये वाली डेफिनेशन भी देख लो. ds underscore add भी एक आपके सिस्टम वेरिएबल है जो एज अ मैक्रो आप ऐड कर सकते हो. उसमें days equal to 1, तो आपके करंट
टैग रन डेट में एक डे ऐड करके आपको वो एग्जीक्यूशन वो डेट दे देगा, एडिंग वन डेट टू योर करंट एग्जीक्यूशन डेट. सो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट वेन एवर यू नीड इट. आप इसमें एयरफ्लो के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं आप एक बताओ मुझे सिंपली. हाउ डू यू डिफाइन वेरिएबल? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज वेरिएबल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू. ओके. फॉर एग्जांपल कंटेनर विच स्टोर्स द वैल्यू. ओके. इन टर्म्स ऑफ पाइथन कैन एनीवन बी मोर स्पेसिफिक? मुझे ऐसी टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए वेरिएबल की. वेरिएबल इज लाइक अ आइडेंटिफायर टू अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच वी असाइन टू कीवर्ड. आइडेंटिफायर टू अ व्हाटएवर वैल्यू वी आर गिवन वी गिव टू दैट. गुड डेफिनेशन, इंप्रूव्ड वर्जन, बट आई वांट अ बेटर डेफिनेशन. आपने ये पढ़ी है डेफिनेशन, मुझे याद आ रही है, मतलब कहीं तो पढ़ी होगी. आप लोगों ने इसके लेक्चर्स देखे है क्या? क्या नाम? दुर्गा के लेक्चर्स देखे है क्या? उसमें वो बोलता है ना, मतलब क्लियरली वही है. वेरिएबल इज रेफरेंस टू योर मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है ना, इट इज एन आइडेंटिफायर विच रेफरेंसेस टू अ मेमोरी लोकेशन, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पाइथन. ठीक है. ये क्यों है आपको समझना है कि पाइथन क्या डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए है. जो भी है आपको उसका कनेक्शन निकालना है वो निकालो. पाइथन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए आपकी. ठीक है. तो ये वेरिएबल इज रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन विच पॉइंट्स. तो आपको ये पता है ना स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी होती है. इसमें मेमोरी के टाइप्स क्या है वैसे पाइथन में? स्टैक एंड हीप और हैश. और क्या है बताओ? किसी ने पूछा नहीं आपको इंटरव्यू में? ये गाइस बोलो, कोई तो बोलो. टाइप्स ऑफ मेमोरी इन पाइथन नहीं पता है आपको? बोलो. एक तो कोई होगा जिसको पता होगा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पाइथन का थियरी. स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी. एग्जैक्टली. तो एक्सप्लेन करो अभी स्टैक और हीप को. सो हीप मेमोरी बेसिकली विल स्टोर द. यहां पे सर्च किया वैसे अक्षय आपने अभी? नहीं. नो. ओके ठीक है, चलो बताओ. ओके. सो हीप मेमोरी विल स्टोर द ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैक मेमोरी विल स्टोर द वेरिएबल्स नेम which are not being currently referenced to any memory location. ठीक है, एक question पूछता हूँ मैं. ठीक है. पहले क्या clean up होता है, heap या stack? Stack. Are you sure? रहेंगे जो किसी भी memory location को control नहीं करेंगे. Hello. हाँ बताओ. Hello. हाँ. Am I audible? Yes you are. पहले स्टैक मेमोरी क्लियर करेगी, मतलब गार्बेज कलेक्टर विल क्लियर द स्टैक मेमोरी बिकॉज द कंटेंट्स विच आर विल बी देयर इन द स्टैक मेमोरी विल नॉट बी रेफरेंसिंग टू एनी ऑफ द मेमोरी लोकेशन. सो दैट विल बी वन ऑफ अ काइंड ऑफ गार्बेज, सो दैट विल बी कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टर. और हीप में से ऑब्जेक्ट कैसे गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करता है? कैसा है ना ऑटोमेटिक होता है? नहीं. तो कोई तो कंडीशन तो होगी. गार्बेज कलेक्टर को कैसे पता होगा कि इस ऑब्जेक्ट का या मेमोरी लोकेशन का काम खत्म हो गया है? जब उसका रेफरेंस लॉस्ट होता है तभी वो गार्बेज कलेक्टर क्लीन अप करता है, राइट? यस. सिंपल स्टैक मेमोरी इज स्टोर्स रेफरेंसेस and your heap memory stores actual values. समझ में आ रहा है? तो actual values पहले delete नहीं होती है, आपके references पहले delete होते हैं, मतलब stack memory पहले clean up होती है.
उसके बेसिस पे जब भी आपका डिस्ट्रक्टर रन होता है ना, मतलब आप गार्बेज कलेक्टर रेफरेंस से ढूंढता है आपके एक्चुअल वैल्यूज के, मतलब मेमोरी लोकेशंस के, एज स्टैक मेमोरी में से वो रेफरेंसेस चले गए हैं, देन इट एज इट डजंट फाइंड एनी एसोसिएशन विथ एनी स्टैक रेफरेंस, तो वो उसको गार्बेज डिक्लेयर करके उसको डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये समझ में आया? डू यू अग्री विथ मी? इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव माई आंसर यू कैन डू दैट। एम आई मेकिंग सेंस? क्या हुआ, गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर बोल रहा हूँ तो बताओ यार, मुझे भी याद नहीं आता है बहुत। स्टैक और हीप समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस 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 सर, करेक्ट बोला है ना यस मैंने, सर, गलत बोला है यस सर। एक बार आप अपनी तरफ से एक बार वेरीफाई कर लो और मुझे बाद में बताना, ठीक है? मुझे तो अब भी लग रहा है कि मैंने करेक्ट ही बोला है, लेकिन अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, ठीक है? लेकिन जितना मुझे याद है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये यही है, स्टैक और हीप मेमोरी। हीप आपकी डायनामिक मेमोरी है, डायनामिक डायनामिक आप बोल सकते हो, और ये स्टैटिक है। आई स्टिक टू स्टैक एंड हीप ओनली। हीप में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्चुअल मेमोरी एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर होती है आपकी हीप में होती है, और यहाँ पे सिर्फ रेफरेंसेस होते हैं, मतलब आपके आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? समझ में आया? यस। तो यस इसी डेफिनेशन सर, से आप वेरिएबल को अगर डिफाइन करते हो कि वेरिएबल इज अ आइडेंटिफायर विच पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है? तो आपकी स्टैटिक मेमोरी का वेरिएबल है, इट इज पॉइंट टू योर हीप मेमोरी का पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन यू शुड बी टेलिंग, ठीक है? सो दिस इज इम्प्रेसिव डेफिनेशन कि आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आती है उससे, स्टैक और हीप, ठीक है? तो यही पॉइंट था। हम लोग वापस चलते हमारे काम में, हम लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं आज पाइथन की वजह से वैसे। ओके, वेरिएबल्स। चलो, तो वेरिएबल की डेफिनेशन आपने वैसे दे दी, तो इन केस ऑफ एयर फ्लो दीज आर जस्ट की वैल्यू पेयर्स दैट कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज थ्रू एयर फ्लो यूआई और प्रोग्रामेटिकली यूजिंग एयर फ्लो पाइथन एपीआई। आई विल टेल यू हाउ इट इज क्रिएटेड। तो बेसिकली क्या है, आपकी यूआई में आपने देखा ही होगा एयर फ्लो वेरिएबल का ऑप्शन है, जैसे कनेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन है वैसे ही यहाँ पे आप, यहाँ पे गया भाई, प्लस का ऑप्शन किधर है यार? हाँ, ऐड वेरिएबल, ये प्लस का ऑप्शन है। तो यू कैन राइट अ की, प्रोवाइड अ वैल्यू एंड सेव इट, ठीक है? बाय रेफरेंसिंग, तो ये वेरिएबल के नाम से आप यूज करोगे, और बाय रेफरेंसिंग टू दिस पर्टिकुलर की यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये हो गया आपके एयर फ्लो यूआई से आपका वेरिएबल क्रिएशन, ठीक है? तो आप आपके पाइथन एपीआई से भी कर सकते हो। हाउ टू डू इट आई विल बी टेलिंग यू, यहाँ पे आप आगे लिखा है मैंने। सो इट सर्व्स एज अ वे टू स्टोर एंड रीयूज वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट डैग्स। अगर इसकी यूटिलिटी कोई समझाना चाहता है, इस लाइन से आप समझा सकते हो। देखो, अगर मैंने एनवायरमेंट नाम की की का एक वेरिएबल बना दिया, समझो, ठीक है? कैसे पाइथन एनवायरमेंट ऐसा कुछ वेरिएबल है, समझो एयर फ्लो एनवायरमेंट, और उसमें की है आपका एनवायरमेंट और वैल्यू है आपका डेव, ठीक है? तो ये जो एनवायरमेंट की वैल्यू है, इट विल बी यूज्ड अक्रॉस ऑल द डैग्स, राइट? इफ यू वांट टू पास इट एज अ डायनामिक डायनामिक वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, तो आप पूरे डैग्स में सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो। मतलब आपको ये चीजें हार्डकोड करने की जरूरत नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर डैग, राइट? और हेल्प कहाँ पे होती है, इफ यू वांट टू चेंज इट्स वैल्यू, इस एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू, इफ यू हैव 1000 डैग्स एंड एक कोई सिचुएशन आती है कि आपको ये वैल्यू चेंज करनी है डेव टू टेस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चेंज कहाँ पे करना है, बस एक वेरिएबल में। अदरवाइज अगर आपने वो चीजें पर्टिकुलर डैग में लोकली की होगी, तो आपको 1000 डैग को एडिट करना पड़ेगा। मेकिंग सेंस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज गुड। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन बोल सकते हैं हम लोग, सॉर्ट ऑफ,
लोकल डिक्लेरेशन नहीं करना है, हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है. तो ये सॉर्ट ऑफ एयर फ्लो के टर्म्स में ग्लोबल डिक्लेरेशन ही है कि आप ओके तो आप लोकल जस्ट आई लॉस्ट मी चेन ऑफ थॉट ओके आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. तो वो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो आपने अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन किया व्हेन एंड जब भी आपको जरूरत पड़ती है उसकी वैल्यू चेंज करने की, इफ यू डू इट एज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डैग्स और ऑल द फंक्शंस वेयर इट हैज बीन यूज्ड. ठीक है, तो वो आपकी ईज बढ़ा देता है. ठीक है, तो दैट कैन बी अ वन यूज केस वेयर यू विल थिंक अबाउट यूजिंग वेरिएबल्स. ओके, तो can it can be used to store configuration settings that the I have already told environment ka wagare, connection strings agar kuch karna hai aapko, file paths or any other kind of data that might be needed by your workflows. theek hai, to abhi next point hai variable ke understanding agar ho gayi aapki to next point kya hai, how to access this variable in python code. theek hai, to ye aapka airflow.models mein variable ek ye hai method hai. to you will मेथड नहीं है, ये तो क्लास हो गया ना, क्लास नेम से रेफरेंस कर रहे हैं, हाँ क्लास है ये शायद. हाँ, तो एयरफ्लो डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट वेरिएबल करोगे और उसकी वेरिएबल की गेट मेथड से आप इसको गेट कर सकते हो. ठीक है, ये वेरिएबल जो भी स्टोर किया है, एंड इफ यू वांट टू सेट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल यू कैन डू दिस. ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड अगर वेरिएबल है तो उसको गेट कर सकते हो डॉट गेट मेथड से, और इफ यू वांट टू ओवरराइड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल यू कैन डू यूज सेट मेथड टू ओवरराइड द वैल्यू. ठीक है, जैसे समझो अभी मैंने यूआई से क्रिएट किया है आपका एनवायरमेंट इक्वल टू डेव, एंड इफ आई डू वेरिएबल डॉट सेट एनवायरमेंट इक्वल टू टेस्ट, तो ये अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को, so it will change the value of environment to test. समझ में आ रहा है, set get समझ में आता है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं. using variables in tag definition. ठीक है, तो कैसे use होते हैं मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, similar चीज ही बता रहा हूँ मैं. airflow.models.import variable, here if you want to get a particular variable you will fetch that value using whenever wherever you want to use, whether you want to use as a part of function or बाहर भी यूज कर सकते हो आप, सिंपल ये बाहर डिक्लेयर करके आप कोई भी अपने फंक्शन में यूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे बाहर आपने समझो, हाँ तो यहाँ पे आपको किसी फंक्शन में इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो डाल दो बस. ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, वेरिएबल कुछ नहीं है, जस्ट टू फेच ग्लोबली स्टोर्ड वैल्यू, वेरी सिंपल. हम लोग इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे हमारे इम्प्लीमेंटेशन में. ठीक है, तो तब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये इसको इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, एयरफ्लो डॉट मॉडल्स में से, एंड एयरफ्लो वेरिएबल इज अ क्लास विच हैज इट्स ओन मेथड, डॉट गेट मेथड से हम लोग उसकी वैल्यू फिक्स करते हैं. इतनी चीजें समझ में आई, एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझ में आई, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसका. ठीक है, कितने लोगों को समझ में आई आज की चीजें, हैंड रेस कर दो एक बार मेरे लिए. एंड आज की चीजें तो खत्म हो गई हमारी, एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ में आई, एंड यू विल गेट क्लैरिटी वंस यू विल रिविजिट द रिकॉर्डिंग एंड रीड द नोट्स. कितने लोगों को लगता है? ओके, दिस इज गुड नंबर. ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैं जो ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है, दैट इज गुड. लेकिन कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, जाके पढ़ना है, और आई वुड सजेस्ट आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करो खुद से. टू बी ऑनेस्ट, मैं सच में बोलूं, मैंने काफी चीजें आपको स्पून फीड कर दी है. ठीक है, तो कॉम्प्लेसेंट होना नहीं है उससे, इतना बोल दिया है बस हो गया, इतना कर लिया मैंने. एटलीस्ट मैंने 10 चीजें बोली है ना, तो आपको अपनी 10 चीजें ऐड करनी है, यूनिक चीजें. ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चंस? आई स्टॉप रिकॉर्डिंग. एक सेकंड दे दो मुझे.